मैम इस केक के खाली पैकेट की तरह मेरा दिल भी खाली। सर भाई इंप्रेस कर मैम को। ए बंद करो गेम, बंद करो। सारे फर्स्ट ईयर को बुलाया जाएगा। मेरी आज सुबह सुबह चप्पल खो गई थी लेकिन वो मिल गई है। मेरी एक टांग नकली मौके का बहुत मतलब उधर भाई को गुस्सा आया, उधर भाई ने मेरी एक नकली टांग तोड़ दी। क्या हो गया मैटर? इसने छोड़ दिया। एक छूट चुका है। एक छूट चुका है कौन? अरे वो दूसरे उसमें कोच में, दूसरे कोच में, कोच में आ गया। अभी का अपडेट ये है कि दो लोगों के भाई पर्स जा चुके हैं और एक फोन जा चुका है रात में, तो देख के रखना पड़ेगा भाई। इसलिए मैं तो साथ में लेके ही घूम रहा हूँ भाई अपना जो साइड रहेगा। सो गाइस कहानी की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे जबलपुर से, क्योंकि हमें जाना है एनएलयू जोधपुर स्पोर्ट्स फेस्ट में पार्टिसिपेट करने। तो सुबह की पहली ट्रेन से हम लोग निकल जाते हैं भोपाल, क्योंकि जोधपुर के लिए ट्रेन हमें भोपाल से ही मिलने वाली थी। रास्ते में बहुत खूबसूरत सा सनराइज़ देखने को मिलता है, और क्योंकि अभी ये कॉलेज ट्रिप है ना तो इसमें सारे जूनियर्स भी होंगे, तो इन बेचारों को भी भाई PDP के नाम पे कुछ ना कुछ टास्क मिलते ही रहता है, क्योंकि उन्हें भी इंक्लूसिव फील कराना है हमें इस ट्रिप पे। और वैसे तो हमारा रिजर्वेशन जो AC क्लास में नहीं था, लेकिन फिर भी हमको जुगाड़ जमा के पहुँच जाते हैं AC की हवा खाने। कम पैसे में ज़्यादा मज़े ऐसे होते हैं, बस आपको कुछ नहीं किसी को थोड़ा सा समझाना पड़ता है प्यार से, गुस्से से नहीं, उस प्यार से मान जाता है। कोशिश करना। टिकट के घूमता है, पकड़ाएगा मित्र, अभी TT को बुला रहा हूँ। तो इस 5 घंटे के सफर के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं भोपाल, जहां से हमारी इवनिंग में अराउंड 5:30 पे ट्रेन है। सो हम पूरा दिन फ्री होते हैं, तो हम पहुंच जाते हैं DV मॉल अगेन, फिर से AC की फ्री वाली हवा खाने। सो यहां पे दिन भर एंजॉय करते हैं, देन उसके बाद फिर हम लोग पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन। भाई अगर TC आ जाए तो DNLU रजिस्ट्रार के नाम से फाइन कटवा लेंगे, ठीक है ना? रिमर्स हो जाएगा। नहीं नहीं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार से करवाएंगे। फील पूरा AC का चाहिए, सही बात है। अरे अरे नहीं है, नहीं है, तभी तो कंटेंट मिलेगा मेरे को। एक्टिंग देखो, कितनी सीट ढूंढने की। इधर हमें बता रहे कहाँ पे आजा। अब तुम क्यों नहीं मिला, बताओ कहाँ गई? अरे वो दूसरे उसमें कोच में, दूसरे कोच में, कोच में आ गया। यही रिजर्व की थी तुमने, लोकल गया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस अनदर ब्लॉग। मेरा नाम है माधव सोनी, AKA मेरिट बैरिस्टर, एंड आज के इस ब्लॉग में आपको भोपाल से लेके जोधपुर की ट्रेन जर्नी देखने को मिलेगी। बेसिकली जोधपुर जाने के पीछे का रीज़न ये है कि DNLU जोधपुर, दैट इज धर्मसास नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, यहाँ की स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिली है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के कॉलेज एक फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है। सो हम लोग वहाँ पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अराउंड अब 80 लोग हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है जर्नी में। आपको बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, एंड मैं पूरा NLU जोधपुर का जो भी पेस्ट होने वाला है ना उसको सब कवर करूंगा, तो आपको वो चीज़ भी ग्लिम्पसेस मिल जाएगी। भाई साहब ट्रेन अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है और ये कार्ड्स खेलने लगे हैं सब। स्वामी जी ज्वारी आता नहीं भाई, बेचारे को खेलना सिखा रहे। भाई साहब इतनी घटिया ट्रेन है ना यार, का सबसे भाई 30 मिनट एक्सीट कर गया टाइम, उससे भी ज़्यादा होने वाला, अभी तक डिपार्चर हुआ नहीं है यहाँ से। 5 बजे का समथिंग का टाइम है, 5:30 अप्रोक्स। भाई साहब ऑलमोस्ट रात होने को है भाई, अब फाइनली ट्रेन चलना स्टार्ट हुई और हमारा माहौल सेट हो गया भाई। यहाँ पे बस कार्ड शार्ड खेले जा रहे हैं। स्वामी जी हमारे, स्वामी जी कोई टिप्पणी दीजिए। बढ़िया है, आनंद आ रहा है, ऐसे ही आता रहे भाई, असली माहौल तो यहाँ बना हुआ है। भाई मेकअप वेकअप करा देंगे, मेकअप दादा को बुला देगा भाई। फाइनली अमीर लोगों के पास आ गए भाई, अमीर लोग। AC में रिजर्वेशन कराया, हवा खाने आ गए, हवा खाने आ गए बस। इनसे पैसे लेना भाई, रिजर्वेशन है कंट्री। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं
मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। भाई साहब डिनर चल रहा है अभी हमारा, निखिल भाई साहब के घर से खाना आ गया था, मस्त मस्त अंकल आंटी ने बना के भेजा भाई साहब। भाई टाइम ऑलमोस्ट हो गया 10:30 और पता नहीं कौन सी बीमार हूँ स्टेशन, कुछ तो नाम है इसका भाई, बाम्बरो मंडी बाम्बरो। तो सोचे हम लोग डिनर कर लिया हमने कि सो जाते क्योंकि बहुत तेज़ नींद आ रही है, हम कल रात से नहीं सो रहे क्योंकि। सो अब मैं आपको मॉर्निंग में ही मिलता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग भाई साहब, दिस इज नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, जस्ट फ्रेश है, सोके उठे हुए हैं भाई। बहुत ही कचरा ट्रेन यार, लिटरली भाई इतनी लेट चल रही ना, शाम को अराउंड 6 या 7 बजे का टाइम है, 9 बजे का दिखा रही है अभी एक्सपेक्टेड अराइवल वहाँ पे। अभी ये पता नहीं इसका गाने यार, कोई विलेज टाइप का है, टाउन टाइप का, यहाँ पे आ गए हम लोग। एंड दिन भर की जर्नी और है अभी बाकी इसी ट्रेन में। मैं सोच रहा हूँ जयपुर से जो है एसी में करा लूँ इसी ट्रेन में। भाई साहब अपग्रेड हो गया हमारा, अभी एसी में जा रहे हैं हम भी अब। भाई साहब मनाली आ गए हैं मनाली आ गए, बहुत ठंडा माहौल है भाई, लग रहा है एक आध जैकेट टैकेट पहननी पड़ेगी, ठंड का सामान भी नहीं हमारे, कुछ करना पड़ेगा। हिमाचल आज कैसा लग रहा है? एकदम राजस्थान से हिमाचल में आ गए। हिमाचल में जो शिफ्टिंग हुई है जोरदार। भाई साहब जयपुर आ गया है और अभी हम लोगों ने चाय ले ली है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टाइप का हो गया है विद ओनली चाय। अभी का अपडेट ये है कि 2 लोगों के भाई पर्स जा चुके हैं और एक फ़ोन जा चुका है रात में, तो देख के रखना पड़ेगा भाई, इसलिए मैं तो साथ में लेके ही घूम रहा हूँ भाई अपना जो साइड बैग है। वहाँ से लिख लिया वॉलीबॉल खेलता है, ये मेन प्लेयर है वॉलीबॉल की, तेरा नाम नहीं पता इस पर, मैम क्या नाम है? पूरा नाम भाई, फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर में कौन सा आस्का आउट हो रहा है इसका? सेकंड ईयर में मतलब जल्दी जल्दी नाम सबके पता है, फर्स्ट में मैम का, ये तो मैनेजर है पहले इनको, ये तो ट्रैवल मैनेजर है। भाई ये वॉलीबॉल जो है रोज है, हाँ क्रिएटिविटी शो करो रोज में आपके। बेचारा कॉन्शियस हो गया है, सारे फर्स्ट ईयर को बुलाया जाएगा। काफी अच्छी सर्विस थी भाई, काफी अच्छी सर्विस थी, बहुत अच्छी सर्विस की आपने। कैसा लगा आरुषि? बहुत अच्छा, क्या बताओ इतना मजा आ रहा है ना। तेरा क्या रिव्यू है? क्या बेस्ट ट्रिप एवर? कौन सी ट्रिप भाई? जोन सी होगी। कैसा लग रहा है मैम? चीड़ी है बस, पत्ते चकवा दो एक बार। कुशल सर वो तो व्यस्त है, दामिनी बिजी है। माता सर इतना बिजी नहीं होना है सर, इधर इधर भी। कैसा लग रहा है? बहुत सही लग रहा है। अच्छा वहाँ स्लीपर में प्रमोद
कैसा लग रहा है बोलना? बहुत बेहतरीन, अरे यार सुनो सुनो तो। बाकी कल रात को चोरी भी हो गई ट्रेन में। कैसे कैसे? 4,000 रुपए मेरे चोरी हो गए। चाय वाले ने 4,000 की चाय पिला के गया मुझे। अरे वो चाय इतनी महंगी पड़ी, फिर उसमें चाय पत्ती भी कम थी, चाय पत्ती भी कम थी, अदरक अदरक भी नहीं था, अदरक भी नहीं था। आदित्य सहरा पूछ रहा है इन मैम का नाम क्या है? ये तो टास्क है ना? नहीं टास्क नहीं है सर, टास्क से पता करो, पता करके ऊपर का नाम है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा, अभिषेक का, अभिषेक शर्मा। अरे यार कंफ्यूज हो गया, क्या हो गया, कौन सा किसका था भाई? बेचारे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स भी आए हुए परेशान करने लगे हुए भाई, उनको बोला नाम पता करके आती है भाई, टास्क दे रहे हैं। अरे तो तेरे को नाम नहीं पता है? है उसी को करेगी डांस, डांस करेगा और गाना है छोटा भीम डोरेमोन और बेबू में बेबू और सिंचन और जलेबी भाई, जलेबी भाई, जलेबी भाई भी तो शीला की जवानी नाम फिर देखने क्या बता रहा है, क्या नाम है आदित्य शर्मा? भी करके आया था आधा माधव सर नोट कर अभिषेक शर्मा मैम कौन सा है बिना देखे बोले धीरे बोला आदित्य सिंह तोमर मैम ईयर 8th ईयर थर्ड ईयर अभी फोर्थ ईयर की है थर्ड ईयर की मैडी अच्छा क्या बेटा मैम इस केक के खाली पैकेट की तरह मेरा दिल भी खाली है क्या आप उसमें बसना चाहेंगी बहुत छोटा है फीलिंग समझो यार अगर इसकी आधा घंटा चीरा भाई तो मत अड़ी ले और प्यार से बोलो तो धमका रहे हो जोधपुर वेलकम जोधपुर क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं अभी फिलहाल अपने थर्ड ईयर में हूँ और ये मेरी पहली ट्रिप है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने कॉलेज वालों के साथ, बहुत सारे सीनियर से मेरी बात नहीं हुई फिर भी हाँ सर आपका कौन कितना कौन से मेरी एक टांग नकली मौके का बहुत मसला भाई को गुस्सा आया, उदय भाई ने मेरी एक टांग तोड़ दी, उसके बाद उदय भाई आदमी दिल के अच्छे हैं उन्होंने उदय भाई कौन है उदय भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ थैंक यू मैं तुम तो अटक गए मैं फर्स्ट ईयर में कुछ बस फुटेज चाहिए था इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ बहुत मजा आ रहा है तुमसे बात कर रही है हाँ सर हाँ मैम कुछ भी और अभी आज सुबह मिस्टर प्रेसिडेंट आज सुबह सुबह ऋषभ सर के पास अकाउंट में 5,00,000 रुपए आए तो ये ट्रिप उनकी स्पॉन्सर्ड है ओहो सर कैसा लग रहा है 5,00,000 रुपए इनकम टैक्स ग्रेट बढ़ सकती है कट कर देना हाँ मैम थैंक यू ऋषभ सर हाँ ये के सर जितना खाना उतना खाओ
सर आपकी तरफ से तो सर ज्यादा, अरे सर ज्यादा होना चाहिए, ये क्यों बोला तू ज्यादा होना चाहिए। आज आज हम लोगों के बीच, आज हम लोगों के बीच हमको लड़कियों का मसीहा मिला, सुंदरी लाल ऋषभ गुप्ता 50th ईयर। सर LLM 50th ईयर, पाउंडिंग बैच भी, पाउंडिंग बैच बैटरी डेड हो गई उसकी, पानी की व्यवस्था, वो बैटरी डेड हो चुकी है उसकी। नहीं नहीं सर, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ 40 हो रहा है यार, गाड़ी को डराओ मत, काटा। मैं एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, माधव सर कर रहे हैं। अरे हो रहा है, बहुत थक गया हूँ इस दुनिया जीवन से, बाहर ऊँटों की, ऊँट को ढूंढ रहा हूँ, ऊँट नहीं मिल रहे हैं मुझे। पानी मिल रहा है सर? पानी भी नहीं है, ऊँट भी नहीं है, सिर्फ राजस्थान की गर्मी है और सूखा है। कौन है यहाँ पे राजस्थान? मैम कैसा लग रहा है? मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है, इस पूरी ट्रिप पे बहुत सारे नए लोगों से बातचीत हुई और ये ट्रिप काफी मेमोरेबल रही। सामने आओ मैम के सामने, हमारे सामने डांस के लिए अर्ज किया है, बोलना प्यार से, प्यार से, प्यार से, प्यार से बोलना नहीं है, फील आंखों में आ रहा है, बैठ के बोलो। उसमें अर्ज किया है, कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे दिल में तुम कौन हो, कैसे बताऊं, वाह कैसे बताऊं मैं, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, तुम मनमीत हो। आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, मेरी नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए मारेगा, और जागना और सोना भी, जाऊं कहीं देखो कहीं तुम हो वहाँ, तुम हो वही, कैसे बताऊं। बहुत बढ़िया, भव्य भी लाइक आना रूम नंबर में, आना मेरे रूम में बोलेगा, इधर देख। आस्कॉर्ट करने के बाद कैसा लगा मैम? सब मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लाइटली फील हो रहा है मुझे, मेरे दिल के बहुत सारे बोझ उठ चुके हैं और मेरे को बहुत अच्छा। क्या बोल रहा है आरुषि, दिल के बोझ उतर गए, दिल के बोझ उतर गए। सो गाइस ऐसा लगता है कोई छूट गया है चेन कूलिंग के चक्कर में, मैटर हो गया, माधव सर उधर निपटा रहे हैं, वहाँ तो अपनी पूरी जनता है, बाबा है ये रैम्बो, ये अनविका, अनविका क्या लगता है क्या हो गया मैटर, रैम्बो क्या हुआ मैटर, क्या हो गया मैटर? एक छूट चुका है, एक छूट चुका है, कौन आएगा, वो आ जाएगा, आ जाएगा, दूसरी ट्रेन से आएगा, तो ट्रेन में तो यहाँ के स्टेशन काफी अच्छे लग रहे हैं यार, देखते हैं भाई कितना प्यारा स्ट्रक्चर बना कर रखा है, डाउन टाइप की जो बनी है ऊपर। बांटने गया भाई, एक आंटी ने हमें लड्डू दिए तो मिश्रा जी सबको बांट रहे हैं, ये कोक पीते हैं भाई, कोक ही है वो, है ना? अब मैं कंफर्म कर सकता हूँ इसमें शराब नहीं है। नहीं भाई, हम सब ये सीधे बच्चे हैं, वी डोंट ड्रिंक व्हाइल ट्रैवलिंग, ये ऐड करना जरूरी था, इसलिए मैंने बोला। अच्छा रहता भाई, मोशन होते रहता है ना, तो कम से भी बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। आ गए आगे मिश्रा जी, आ गए मैं तो होटल में रुकूंगा, पूरा डिस्क्रिप्शन मेरा, आयुष ने दोस्त बना लिए।
बार जिसमें भी हारे नहीं है, इन्हें स्टार्टिंग से चीटिंग की है। नहीं थी सर मेरे पास। भाई साहब खाना देख रहे हो कितना ज्यादा आया, ऑल थैंक्स तो सर। ऐसा लग रहा है कि हाँ हम राजस्थान में, पता नहीं क्या उड़ रहा है। आई थिंक रेत वेत तो नहीं है ये, बट हाँ राजस्थान से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वैसे अभी अराउंड 3 बज गए और हमने लंच वगैरह कर लिया है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यार ये स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ। लेकिन अभी तक कोई रेत नहीं दिखी। जो एमपी में पेड़ है वो यही पेड़ है, तो हम तो ऐसा लग रहा है एमपी में ही। ऊंट तो दिख जाए कम से कम। ये ट्रेन चलती कम रुकती ज़्यादा है, ऑलमोस्ट पहुंचने के वजह सिर्फ 4 किलोमीटर बचा हुआ है स्टेशन, बट काफ़ी 10 मिनट हो गए राउंड खड़ी हुई है यहाँ पे, आई डोंट नो रीज़न क्या है। और ये जो है भाई साहब चांद निकल आया है, सूरज नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। भाई साहब फाइनली जोधपुर पहुँच चुके हैं सारे लोग, ऐसे कम है आगे आधे लोग बाकी आगे वाले को फाइनली पहुंचा दिया, 2-3 घंटे लेट हो गया जिंदा। देखो भाई साहब पूरा कंटेंजेंट ये है, भीड़ भीड़ इतने सारे लोग हैं। मैं चाहता हूं कि ये छूट ना जाए कहीं। भाई साहब ये जोधपुर वालों ने कुछ बहुत बड़ा एहसान सा नहीं कर दिया यार, इतना बड़ा एहसान नहीं चाहिए था ना यार मित्र जी, हमको बिल्कुल नहीं चाहिए था, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए था भाई इतना बड़ा एहसान। ऐसा हॉस्टल में रुका देते, मेरे घर पर टीवी में, मेरे घर पर टीवी सा खराब 25 साल पुरानी, वही ऐसा पीसी है सैमसंग। ठीक है भाई, बेसिक सा रूम है, बहुत ज्यादा कुछ फैसिलिटीज नहीं है, बट ठीक है। बट मैं प्रेफर कर रहा था कि यार हॉस्टल में रखने को मिले, सो दैट हम रात में भी एक्सप्लोर कर सके कैंपस में।